दोस्तों, लेग का एक्सरे करने के लिए आपको चाहिए पहले एक बड़ा कैसेट, 14-17 का हम लोग के पास सेमी डीआर का कैसेट है, उसमें पैर को ऐसे डायगोनली रखना है एपी व्यू में। उसके साथ आप देख सकते हैं हम लोग सेंटरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्यूब को इधर ले आना है पैर की तरफ, और सेंटरिंग हम लोग को बीच में करना है, मिड शाफ्ट ऑफ टीबिया में करना है, ठीक है। पैर ऐसे रहेगा और इसका हाइट हम लोग रखेंगे 105 सेंटीमीटर फ्रॉम टेबल टॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे 105 सेंटीमीटर फ्रॉम टेबल टॉप रखे हैं। इसके बाद हम लोग लैटरल व्यू देखेंगे। लैटरल व्यू में पैर को थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा आपको, इसको भी डायगोनली रखना है कैसेट के साथ इस प्रकार से, जिससे कि नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट आ जाए, और थोड़ा सा उठा रहेगा तो टीबिया फिबुला थोड़ा अलग अलग दिखेगा। इसका भी सेंटरिंग हम लोग को मिड शाफ्ट ऑफ लेग में ही करना है, मिडल में करना है। अब हम लोग देख लेंगे इसका एक्सपोजर, 100 mm में काम हो रहा है और हम लोग यूज कर रहे हैं विदाउट बकी, 50 हम लोग केवी मेजर ले रहे हैं और 2 माइनर ले रहे हैं, मतलब 52 केवी और 2 MAS, ठीक है, इसमें ही बढ़िया आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सपोज दे देंगे, हम लोग ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं स्टैंड बाई, और उसके बाद एक्सपोज देना पड़ता है। हम लोग अपने मॉडल के ऊपर एक्सपोज नहीं किए हैं, ये किसी दूसरे पेशेंट का है। हम लोग मॉडल का राइट लेग दिखाए थे और ये लेफ्ट लेग का इमेज आप लोग को दिखा रहे हैं। तो एपी की जगह एपी, लैटरल की जगह लैटरल, और इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा देंगे, ठीक है, और इसको एनलार्ज कर लेंगे। एनलार्ज करने के बाद हम लोग इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस ठीक कर लेंगे अपने हिसाब से। उसी प्रकार से लैटरल व्यू को भी हम लोग थोड़ा घुमा लेंगे, घुमाने के बाद उसको भी एनलार्ज करेंगे और साथ में उसको फिर से बड़ा कर देंगे। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से आप सजा लीजिएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि नी ज्वाइंट भी आया है हल्का सा और एंकल ज्वाइंट भी आया है हल्का सा, ये आपको गौर देना है। साथ ही आप मार्कर डाल दीजिए और नीचे फुटर में लेग एपिलेटरल कर दीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी।